लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पांचवें चरण के लिए वोटिंग होने हैं। इससे पहले सभी दल उत्तर प्रदेश में अपने समीकरण साध रहे हैं। महागठबंधन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की बात कही। अखिलेश ने मायावती का नाम लिए बगैर कहा कि इस बार गठबंधन ही देश को नया प्रधानमंत्री देगी। देश की आबादी में से कोई भी पीएम बने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अखिलेश ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले समर्थन सपा का होगा। अखिलेश यादव का बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने सपा पर मायावती की पीठ में छुरा भोंका है, ऐसा कहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में ने चुनावी रैली में मंच से अखिलेश यादव पर गरम दिखे, पर मायावती के लिए नरम रुख अपनाए हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मायावती को धोखा दे रहे हैं, जिसके बाद यूपी की सियासत में पीएम मोदी के इस बयान के मायने निकाले जाने शुरू हो गए। वहीं कांग्रेस ने यूपी की कुछ सीटों को छोड़कर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार कई सीटों पर जीत रहे हैं, तो वहीं कुछ सीटें बीजेपी की वोट काटने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।